एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबू जो यहाँ पे तो बाबू जो यहाँ पे दूध पी रहा था कल, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आज भी जो है ब्लॉग बनाऊंगी, वो लॉक कर दिया था इस वजह से जो है मुझे बुलाए थे चाबी के लिए। तो एक्चुअली जो मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था कि मैं आज जो है ब्लॉग बनाऊंगी, इस वजह से जो है मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ। तो एक्चुअली जो है शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग जो है आप देख सकते हो गाड़ी लग गई है एंड सब लोग जो है सामान उठा रहे हैं। कल रात में आधी रात तक झाँक के मैंने सारा जितना भी मुझसे हो सका वो पैकिंग किया। आज सुबह भी उठ के भी देखने मैंने पैकिंग किया एंड उस वाले घर में जो है पेंटिंग वेंटिंग सारी चीज़ें हो गई है। और तो ये बैग, इसमें कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैंने साथ में ही रख लिया है एंड बाबू का दूध, पीकू का दूध वगैरह सब साथ में लिया है। बस अभी पैकिंग हो रही है एंड एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो रही है। मैं खाना खाने बैठ रही थी, दो तीन निवाले खाए मैंने, खाना बना के पैक कर लिया बेटो साढ़े, खाना बना के जो पैक कर लिया, बस खाने ही बैठ रही थी। तो वैसे मैं गाड़ी वगैरह आ गए सब जगह, गाड़ी वगैरह सब लोग आ गए थे तो फिर मैंने छोड़ दिया खाना। तो बस अभी पैकिंग से थे, ये गाड़ी में जो है सामान डलना चल रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। ओके सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है देखिए पूरा घर खाली हो चुका है। यहाँ है पीकू एंड यहाँ है बाबू और ये देखिए पूरा खाली हो गया। वहाँ पे जो उतना सामान को छूट गया था एक एक कोने में, तो मैंने वो निकाल दिया है याद से। ये सब कचरा है बिना काम के, ये जो है बॉक्स बॉक्स पड़े थे वही हैं। पूरा जो घर है खाली हो चुका है। बड़े ही दिल से सजाया था मैंने इस घर को जितना भी हुआ था, बट क्या कर सकते हैं, दूसरे का है वैसे भी, खुद का तो है नहीं। जब तक खुद का दिल करे तब तक रहे, कोई बात नहीं। तो विवेक ने जो है बड़ी बड़ी दो गाड़ियाँ बुलाई थी, तो विवेक ने जो है दो गाड़ियाँ बुलाई थी बड़ी बड़ी, तो पूरा सामान जो है उसमें पैक करके लेके जा चुके हैं। वहाँ पे चलने के लिए कह रहे थे विवेक कि चलो तुम साथ में शिफ्ट करेंगे, मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो पीकू बीच बीच में परेशान की होती है, क्योंकि फिर वो फटाफट इतने सारे लोग हैं ना, तो फिर वो फटाफट फटाफट जो है सामान लेते हैं अंदर, तो ये बीच बीच में की होती है एंड बाबू को लेके कहा यहाँ पे जब भी खा लिए तो मैं थोड़ी देर बैठ तो भी सकती हूँ। विवेक आएंगे उसके बाद में यहाँ पे हम लोग थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाएंगे एंड फिर जो है हम लोग निकल जाएंगे। तो जो है ये लास्ट टाइम है इस घर का, तो चलिए फिर मिलती हूँ नए घर जाने के बाद में अब डायरेक्टली। हेलो एवरीवन, सो हम लोग जो है नए घर में आ चुके हैं, फाइनली जो है नए घर में आ गए हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड से पता ही चल रहा होगा। और यहाँ पे है ये गंदी सी पीकू और ये पीकू ने नहाया ही नहीं है, तो हम लोगों ने जो है किसी ने भी नहीं नहाया है। यहाँ पे हो बेटा, यहाँ पे जो लाइटिंग कुछ अलग ही लग रही है, पिंक है ना एक्चुअली यहाँ के वॉल्स, और यहाँ पे बहुत छोटा वाला लाइट लगा है। अभी विवेक गए हैं लाइट लाने के लिए, किचन में लग गया है लाइट, हॉल में भी नहीं लगा है क्योंकि ड्रिल वाले भैया को बुलाना पड़ेगा। एंड बाबू रहा यहाँ पे, दादा यहाँ पे जो है बाबू खेल रहा है, पीकू अभी तक साइकिलिंग कर रही थी, अभी मैं उसको घर में लेके आ गई क्योंकि विवेक जो है थोड़ा सा बाहर गए हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आते ही जो है बाहर से थोड़ा सा नाश्ता लेके आए थे, साथ में मैंने खाना भी बना के लेके आ गई थी, तो वो खावा लिया, थोड़ा सा जूस लेके आए थे। पीकू पानी आन रहे बेटा, मला सोफे और है बहुत तिकड़े बॉटल ब्लू वाली आता, तो हम लोग जो है हाँ थे नहीं आए, तो हम लोग जो है आते ही खाना वाना जो है खाया, जूस पिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में जो है थोड़ा सा रूम जो हाँ, तो उसके बाद में जो है हम लोगों ने थोड़ा सा जो है अरेंज किया। ये वाला मेरा बेड बाहर रखा था, बाहर भी पूरा तहलका मचा था, यहाँ पे भी देखिए अभी भी यहाँ पे पूरा तहलका मचा हुआ है। आय 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 ओय 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 बाबू जो है एक मिनट भी नहीं रुकता है, उसको नीचे नहीं रुकना है, तो बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा है। से जो है यहाँ पे सेटअप कर लिया है, तो एक्चुअली लाइट जो है वो नहीं लगा था जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले वाले क्लिप में देखा होगा। बाद में क्या किया है मैंने, इसमें यहाँ पे विंडो पे जो है इसको खड़ा कर दिया है ट्यूबलाइट को, तो जो है बहुत ही अच्छी सी लाइटिंग आ रही है पूरे रूम में, बहुत अच्छी लाइट। वहाँ पे बाबू का झूला निकाल के है तो उसको लगाएंगे अभी हम, अभी फिलहाल बाबू नहीं सो रहा है,
बस ये रखे हैं यहाँ पे वो धोने वाले कपड़े हैं। मेरे मेट कह रहे थे कि बिना धोए लेके जाओ, गीले गीले खा लेके जाओ, इसलिए और ये जस्ट अभी अपने पानी लाया रखे। और फिलहाल जो मैंने यहाँ पे जो है इस टेबल पे जो है इसको ये टीवी को लगाया है, एंड यहाँ पे इस टाइप के सोफे मैंने हर तरीके से अरेंज किया, मुझे कहीं पर ठीक नहीं लगे तो फिर मैंने कुछ इस टाइप से सेटअप किया। यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल रख के यहाँ पे जो है मैंने ये वाला स्नेक प्लांट रखा है। फिलहाल वो क्लीन, ये बहुत डस्ट है शिफ्टिंग की वजह से, उसके बाद में मैं सब कुछ करती हूँ बराबर। ये तो जो है सोसाइटी के सिक्योरिटी जो है ना सेक्रेटरी, सॉरी सिक्योरिटी सेक्रेटरी जो है वो आई थी आंटी बुलाने के लिए विवेक को, क्योंकि वो अभी मेंटेनेंस का वगैरह होगा ना सोसाइटी में आने के बाद में यही सारी चीज़ें होती है, तो विवेक वहाँ चले गए। एंड फिर से मैं आ गई हूँ बेडरूम में, ये एंड मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मैंने हॉल को क्लीन कर लिया एंड बेडरूम को जो है मैंने और ज़्यादा तहस नहस कर दिया। मतलब हॉल में जितना भी बिखरा पड़ा था ना सारा उठा के लाके मैंने यहाँ रख दिया। विवेक गए थे बाहर फ्रेंड के घर में खाना खाने, एंड विवेक ने आके हॉल में आते ही विवेक का रिएक्शन था कि अरे बाप रे तुमने ये क्या चेंज कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब गए पूरा फैला पड़ा था वहाँ पे। एंड वो जैसे ही आए मैंने पूरे सोफे वोफे सारी चीज़ें अरेंज करके रखी थी एंड सोफे कवर जस्ट लेके निकल रही थी डालने के लिए, तो वो आ गए थे। तो विवेक कह रहे थे अरे वाह इतना अच्छा सोफा हॉल कर दिया, तो मैंने जैसे ही यहाँ आए तो बोलती ये तुमने क्या कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया यहाँ पे। मैंने कहा कि चलो एक रूम तो ठीक हो गई। एंड यहाँ पे जो है बाबू खेल रहा है, दादू छोना बच्चा ये मजे छोना बच्चा। यहाँ की लाइटिंग जो है कुछ अलग ही पिंक पिंक सी लग रही है, बदलना पड़ेगा ये लाइट, कल कल बदलेंगे मे भी। एंड ड्रिलिंग का जो है बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे, बहुत सारे कील लगे हुए आप देख सकते हो, जहाँ वहाँ बहुत सारे होल्स जो है किए हुए हैं, वहाँ पे कीले भी जो है वो लगे हुए हैं, बट बिल्कुल सब मतलब गलत है, यहाँ वहाँ ऐसे मतलब कहीं कहीं पे भी लगाए हुए हैं। किचन में भी बहुत सारे कीले लगे पड़े हैं बट वहाँ पे मेरी रैक लगी नहीं रही है, तो अभी विवेक जो है कल ड्रिल वाले को बुला के लाएंगे एंड फिर रैक लगेगी, फिर किचन का कुछ होगा। अभी जो है बहुत थक गए हैं, विवेक ने कहा है कि पहले अभी हम बेड ठीक करेंगे, जितना भी कुछ है ये उठाएंगे एंड पहले सोने जाएंगे, एंड कल जो है मकर संक्रांति है, फिर कल उठ के बाकी की चीजें करेंगे, ये हम लोगों ने सोचा है। हेने बाबू हेने बाबू हेने बाबू 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 बाबू। तो चलिए फिलहाल मैं अभी ये थोड़ा बहुत उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग। सो आज जो है वो नेक्स्ट डे है एंड कल जो है मैं बाद में ब्लॉग ही नहीं बना पाई क्योंकि बहुत थक गए थे एंड बाबू भी बहुत चेचे चेचे कर रहा था, तो हम लोगों ने जो है फटाफट से खाना वाना खाया, मैं खाना ही लेके आई थी, विवेक तो बाहर गए थे खाना खाने के लिए फ्रेंड के यहाँ, एंड खा लिया एंड फिर जो है मैं सो ही गई क्योंकि बिल्कुल मुझसे हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी इस वजह से। एंड अभी जो है हम लोगों ने यहाँ वहाँ से ढूंढ के चीनी चाय पत्ती जो है सारी चीज़ें ढूंढ ली थी, बट जो है लाइटर नहीं मिला, हम लोगों ने बहुत ढूंढा बट लाइटर नहीं मिला। दूध का पैकेट भी है, देखो मैं दूध का पैकेट भी रख रही हूँ यहाँ पे, दूध का पैकेट भी जो है वो भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई थी बट जो है लाइटर ही नहीं मिला। तो फिर विवेक ने कहा कि चलो बाहर से जाके चाय पी के कुछ खा के आते हैं, एंड घर में जो है मेरे सासू के यहाँ पे सासू माम जो है ना उनके यहाँ पे जाके हम लोग बता के आएंगे कि कुछ आप हमारे लिए खाना बना दो आज के लिए, रात तक तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। एंड विवेक ने हार्डली हार्डली ऐसा कहीं नहीं क्या रख दिया है, ऐसे ही जहाँ जहाँ जो जो मोटा मोटा सामान जम रहा है वो वहाँ ऐसे ही छोड़ के रख दिया है, बाकी की चीज़ें बाहर रखी है किचन से, यहाँ पे जो है बाहर एरिया है बहुत सारा, वहाँ पे रख दिया है विवेक ने बाकी की सारी चीज़ें, और डब्बे वब्बे ऐसे ही लगा दिए, रैक फिलहाल ऐसे ही टंगी है, देखती हूँ यहाँ रखना है कहाँ। एंड जो है यहाँ पे सामान जो है बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कंजस्टेड हो रहा है, मंदिर जो है मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है बट मुझे ऐसा लग रहा है फ्रिज के ऊपर वेट रखना सही रहेगा नहीं क्योंकि मंदिर जो है बहुत बड़ा है मेरा। प्लीज आप लोग बताइएगा, आप लोगों को अगर पता होगा तो तब तक तो मे बी मैं इसको शिफ्ट कर पाऊ कर चुकी होंगी, या नहीं किया होगा तो आप लोग बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ रखूँ क्या करूँ कुछ नहीं, एंड बाबू जो है वो भी बहुत रो रहा है ना इस वजह से जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, 10 बजते आ गए हैं अभी। मैंने सुबह से उठ के जो है अलमीरा मेरी जो है ना वो पूरी सेट कर दी थी, पूरी मतलब ऑलमोस्ट मुझसे जितनी हो सकी उतनी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट पूरी हो गई। मेरा नीचे वाला सेक्शन है ना थोड़ा सा खाली है क्योंकि वहाँ पे बाबू के कपड़े आएंगे तो अभी बैग खाली करूंगी मैं, वो आएंगे। एंड फिर भी जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे जो ऐसा फैला है ये हम लोग खाली करके सोए थे, ये अभी मैंने ये जो है ना कपड़े लगाए तो ये यहाँ पे हो गया। एंड अगर आपको हॉल दिखाऊंगी तो ऑलमोस्ट कल सेट ही हो गया था, देखिए मैंने जो है कल हॉल जो है बहुत अच्छे से सेट कर लिया था, वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रखा है सेट हो गया था, बट अभी जो यहाँ वहाँ चीज़ें फिर से फेंकी जा रही है ना, तो जब सब सारी चीज़ें सेट नहीं होगी, बिना काम की चीज़ें मैं सारे अभी जो है बेड के अंदर डालने वाली हूँ, एंड किचन में सिर्फ एक ही जो है मिनी स्लैब है तो वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मैं डाल दूंगी।
चलिए अभी फिलहाल मैं जाती हूँ, कुछ खा पी के आती हूँ, एंड उसके बाद में मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। होपफुली आपको ये मेरा शिफ्टिंग वाला ब्लॉग थोड़ा बहुत तो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। होप कर रही हूँ मैं कि मेरे नए घर में मेरा चैनल सक्सेस हो जाएगा। अभी मुझे तो लग रहा है कि मेरा अभी चैनल सक्सेस हो जाएगा, होपफुली। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज, लव यू ऑल, एंड प्लीज बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेजिए मेरे लिए कि ताकि मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर सकूँ। एंड बाबू भी जो है आजकल, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो उसकी तबीयत ठीक रहे। बाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सो आज जो है वो नेक्स्ट डे है, एंड कल जो है मैं बाद में व्लॉग ही नहीं बना पाई क्योंकि बहुत थक गए थे, एंड बाबू भी बहुत चेचे चेचे कर रहा था। तो हम लोगों ने जो है फटाफट से खाना वाना खाया, मैं खाना ही लेके आई थी, विवेक तो बाहर गए थे खाना खाने के लिए फ्रेंड के यहाँ, एंड खा लिया, एंड फिर जो है मैं सो ही गई क्योंकि बिल्कुल मुझसे हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी इस वजह से। एंड अभी जो है हम लोगों ने यहाँ वहाँ से ढूंढ के चीनी चाय पत्ती जो है सारी चीजें ढूंढ ली थी, बट जो है लाइटर नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, बट लाइटर नहीं मिला। दूध का पैकेट भी है, देखो मैं दूध का पैकेट भी रख रही हूँ यहाँ पे, दूध का पैकेट भी जो है वो भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई थी, बट जो है लाइटर ही नहीं मिला। तो फिर विवेक ने कहा कि चलो बाहर से जाके चाय पी के कुछ खा के आते हैं, एंड घर में जो है मेरे सासू के यहाँ पे सासू माम जो है ना, उनके यहाँ पे जाके हम लोग बता के आएंगे कि कुछ आप हमारे लिए खाना बना दो आज के लिए, रात तक तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। एंड विवेक ने हार्डली हार्डली ऐसा कहीं नहीं क्या रख दिया है, ऐसे ही जहाँ जहाँ जो जो मोटा मोटा सामान जम रहा है वो वहाँ ऐसे ही छोड़ के रख दिया है, बाकी की चीजें बाहर रखी है। किचन से यहाँ पे जो है बाहर एरिया है बहुत सारा, वहां पे रख दिया है विवेक ने बाकी की सारी चीजें, और डब्बे वब्बे तो ऐसे ही लगा दिए, रैक फिलहाल ऐसे ही टंगी है, देखती हूँ यहाँ रखना है कहाँ। एंड जो है यहाँ पे सामान जो है बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कंजस्टेड हो रहा है। मंदिर जो है मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है फ्रिज के ऊपर वेट रखना सही रहेगा नहीं, क्योंकि मंदिर जो है बहुत बड़ा है मेरा। प्लीज आप लोग बताइएगा, आप लोगों को अगर पता होगा तो, तब तक तो मे बी मैं इसको शिफ्ट कर पाऊँ कर चुकी होंगी, या नहीं किया होगा तो आप लोग बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ रखूँ क्या करूँ कुछ नहीं, एंड बाबू जो है वो भी बहुत रो रहा है ना, इस वजह से जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। 10 बजते आ गए हैं अभी, मैंने सुबह से उठ के जो है अलमीरा मेरी जो है ना वो पूरी सेट कर दी थी, पूरी मतलब ऑलमोस्ट, मुझसे जितनी हो सकी उतनी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट पूरी हो गई। नीचे वाला सेक्शन है ना थोड़ा सा खाली है, क्योंकि वहां पे बाबू के कपड़े आएंगे, तो अभी बैग खाली करूंगी मैं, वो आएंगे। एंड फिर भी जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे जो ऐसा फैला है ये हम लोग खाली करके सोए थे, ये अभी मैंने ये जो है ना कपड़े लगाए तो यहाँ पे हो गया। एंड अगर आपको हॉल दिखाऊंगी तो ऑलमोस्ट कल सेट ही हो गया था, देखिए मैंने जो है कल हॉल जो है बहुत अच्छे से सेट कर लिया था, वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रखा है, सेट हो गया था। बट अभी जो यहाँ वहाँ चीजें फिर से फेंकी जा रही है ना, तो जब सब सारी चीजें सेट नहीं होगी, बिना काम की चीजें मैं सारे अभी जो है बेड के अंदर डालने वाली हूँ, एंड किचन में सिर्फ एक ही जो है मिनी स्लैब है, तो वहां पे जो है कुछ चीजें मैं डाल दूंगी। चलिए अभी फिलहाल मैं जाती हूँ, कुछ खा पी के आती हूँ, एंड उसके बाद में मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। होपफुली आपको ये मेरा शिफ्टिंग वाला ब्लॉग थोड़ा बहुत तो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। होप कर रही हूँ मैं कि मेरे नए घर में मेरा चैनल सक्सेस हो जाएगा। अभी मुझे तो लग रहा है कि मेरा अभी चैनल सक्सेस हो जाएगा, होपफुली। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज, लव यू ऑल, एंड प्लीज बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेजिए मेरे लिए कि ताकि मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर सकूँ। एंड बाबू भी जो है आजकल, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो उसकी तबीयत ठीक रहे। बाय गाइज।